थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। लाल थानियों के बच्चे नहीं है, ये बच्चे अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे थे। इतना संघर्ष करने के बाद में हम लोग की लिस्ट चाहिए थी, उसके बाद दोबारा से चुनाव के चक्कर में आपने लिस्ट को रोक दिया। इसे इसको रोकते एक तरह से आपने आगे बढ़ा दिया। अभी भी समय है, अगर ये समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना हम लोग को आगे मौका मिलेगा इनको फिर से सबक सिखाने का। मुझे लगता है कि अब ओम प्रकाश राजभर उस स्थान पर पहुंच चुके थे, अगर आप लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते तो शायद घंटों में इंसाफ आपको मिल सकता। सर इन लोगों के लिए बहुत आसान है, हम लोग के आंसर तो ये इन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने क्यों रोक रखा है। अगर ये चाहे तो क्या योगी जी नहीं कर सकते हैं? कोर्ट का दिलासा देके संदीप सिंह और ये योगी जी रोक रखे हैं। ये चाहे तो हम लोग को तुरंत न्याय, कोर्ट ने तो पास कर दिया ना कि आप लोगों को नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने पास कर रखा है तो संदीप सिंह क्यों ये कह रहे हैं कि बार बार कि हाँ कोर्ट के भरोसे है। हम लोग तो चाहते हैं कि बाहर के रास्ते ये लोग हम लोग को न्याय दिला दें, हम लोग भी खुशी खुशी अपने घर जाएं, अपने नौकरी में आगे बढ़े। तो कब तक यहाँ संघर्ष करते रहेंगे हम लोग? एक उम्मीद जब खत्म होगी तो हम लोग भी ये समझ जाएंगे कि बीजेपी किसी काम की नहीं है, क्या ओम प्रकाश राजभर या कोई भी हो। हम लोगों का उम्मीद जो कायम है तब तक कायम है, बस उम्मीद ही कर सकते हैं। आगे ये लोग अपना यही दिखा रहे हैं कि हम लोग बेकार है, यही चीजें कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये बेकार हो जाएंगे हमेशा के लिए। जी बहुत बड़ी बात करी बहन जी आप। आइए कैमरा में थोड़ा अन्य लोगों से वार्ता करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। शुभ नाम क्या हुआ? अखिल पटेल। अखिल पंडित पटेल। पटेल जी हैं आपके अनुपुर भैया। पटेल जी का भी आपने फोटो लगा रखा, जैसा कि मैंने देखा है, आपकी नेता है, आपकी जाति से आती है। और ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा करी। जब ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आप लोगों ने सुना तो कितना अच्छा लगा आपको दिल में? अच्छा कुछ नहीं है सर, सब राजनेताओं का यह है कि अपने प्लेयर जो यूज कर सकते हैं वो उतना करते हैं, उनका काम निकल गया उसके बाद यही बोल होते हैं सभी के। कि हम लोग भी अब डेली जाते हैं तो मिलने तक का समय नहीं होता उन लोग के पास, सीधा वही कह देते हैं हमें नहीं मिलना है। तो फिर हम क्यों जातिवाद के झंझट में फंसे हुए हैं? हम क्यों इनको अपना नेता मानते हैं? इसलिए ना कि हमारी जाति बिरादरी से आते हैं? नहीं सर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं? तो फिर आपने यहाँ पे आपने किसी ब्राह्मण या किसी क्षत्रिय का क्यों नहीं आप लोगों ने फोटो लगाया? ब्राह्मण क्षत्रिय इससे नहीं है। अब ये लोग हमेशा किसी भी चुनाव होगा तो यही बोलेंगे हम पिछड़े, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम फलाना, तो हम उन्हीं के पास जाएंगे जो वाले बात करेंगे हक की। अगर क्यों करेंगे, मैं यही तो जानना चाहता हूँ ना। जब आप लोगों ने इनको प्रमुख प्रश्न पे आपने दर्शाया कि फोटो इनका लगा दिया, कहीं ना कहीं आप ये समाज को संदेश देना चाहते हैं यहाँ पे हर एक आने वाले को कि शायद हम लोगों ने इनको यहाँ पे चुन के बैठाया था, ये लोग हमारी समस्याओं को लेकर के सदन में आवाज उठाएंगे, हमारी जाति बिरादरी से आते हैं। उम्मीद थी ना आपको शब्द से? उम्मीद तो थी, पर आप देख रहे हैं कि अब जब से वो नेता बन गए उनके बोली बदल गए हैं, अब वो जाति बिरादरी से नहीं। जाति बिरादरी मायने रखता है नेताओं के लिए? अब समझ में तो आ गया होगा ना कि नेता लोग सिर्फ वोट पाने के लिए राजनीति करते हैं। यही सब अब तो समझ में आ गया, लेकिन अभी चुनाव आ रहा है, अभी फिर आएंगे गाँव देहातों में जाएंगे, फिर यही बात करेंगे, फिर से पैर पकड़ेंगे, बोलेंगे भैया हम तो आप ही बिरादरी से आते हैं, आपके बड़े भाई हैं, हम तो गरीबों की पार्टी है, तब फिर आप पिघल जाएंगे, क्योंकि गरीब का दिल बड़ा नरम होता है ना। नहीं आपको एक दिल नहीं पिघलेगा, हम सबने रंग देख लिए हैं सभी के। अगर आप हमारी हक की बात नहीं रख सकते हैं तो आप हमारे नेता भी नहीं है। आप अगर आप अपने जब कहते हैं जो आप कहते हैं उससे बदलिए नहीं, नेता वही है जो अपनी बात पर अटक रहे। नहीं नेता वही है जो झूठ बोले और खींच ले, नेता वो है जो नेता वो है नहीं ना जो काम पूरा कर दे। तो हमें भी वैसा नेता नहीं चाहिए, हमें वही नेता चाहिए जो सच में बात करे और काम की बात करे। ये नहीं है कि मुद्दों से भटका है, आप चुनाव आया आपने जातिवाद और ये सब क्रम खेल ले, उसके बाद आप कहते हैं कि लात खाने लायक है और फलाना खाने लायक, लात खाने लायक, हम लोग नहीं पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप जरा अनपढ़ नहीं है। बड़ी बात कही आप समझिए, आप मेरे, मैं अपने नॉलेज से अगर देखूं, मैं अपनी भावनाओं से आपको अगर परखने का प्रयास करूं तो मुझे आप आने वाले देश के भविष्य निर्माता दिखाई देते हैं, ये मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन जिस व्यक्ति का ये ओपिनियन होना चाहिए था, मेरी जगह उनका ओपिनियन होना चाहिए था, और वो ये बात कह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ लात खाने के योग्य हैं। वो इस टाइम कुछ नहीं है, सत्ता में चूर है, सत्ता का नशा है, वो भी उतरेगा। कोई यहाँ पे अमर रोटी पी के नहीं आए हैं कि अमर ही रहेंगे, वो हमेशा नेता ही बने रहेंगे, आना उन्हें यही पड़ेगा वापस। तब यही सवाल वापस फिर किया जाएगा कि हम लात खाने लायक हैं, पर आप क्यों यहाँ पे आते हैं? हम लात खाने ही लायक हैं। यानी 633 हमें 660 दिन हो गए हैं, 633 दिन आज आपका 633वां दिन है आंदोलन करते हुए लगातार, और मुझे लगता है 2 महीने से तो मैं खुद कवरेज कर रहा हूँ आप लोगों की। क्या कोई अभी तक कोई ऐसा अपडेट आया जिसमें आपका
भरोसा बढ़ाओ कि हाँ शायद अब न्याय मिल जाएगा। अभी तक तो सर ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। जो अभी बात करने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं बात चल रही है, बात चल रही है, बस चल ही रही है। अभी तो कोई रिजल्ट तो वहाँ से आया नहीं हम लोग के लिए। देखिए हमारी एक मांग है, एक ही नारा, एक ही मांग, नियुक्ति दो सरकार, नियुक्ति दो सरकार। अगर आचार संहिता से पहले नियुक्ति नहीं मिलती है तो हमारा एक ही मांग होगा, एक ही नारा होगा कि इस सरकार को गिराओ हमारे 8800 के भाई लोग। तो भरोसा किस पे है आपको? ये इन लोगों ने फोटो जिनकी लगा रखी इन पे, मोदी जी पर, योगी जी पर, या आपके शिक्षा मंत्री जी पर, किस पे भरोसा है? हमें किसी पर नहीं है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, मुझे उस संविधान पर भरोसा है। संविधान के आगे ये सारे नेताओं को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, कितना हो बड़े पदवी पर चल जाए, आप संविधान को नहीं खा सकते। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया संविधान सबके दिलों में जिंदा है, किताबों में जिंदा है, उसको पढ़ाया जाता बच्चों को। हम लोग पढ़ करके बड़े हुए हैं, संविधान को पालन करने वाले हैं, और संविधान को पालन करते वक्त और संविधान के एक एक नियमों को पालन करते हुए हम लोग उसी के अनुसार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब जब भी आपको आवाज उठाना होगा, आपको इस तरह से नियम के हिसाब से आवाज उठाना होगा। और हमारी हक को जिस सरकार मारने, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार अगर हक को मारने का अगर प्रयास करेगी तो उस सरकार को हम लोग गिराने का भी प्रयास करेंगे। कोई भी सरकार अगर चोरी करेगी, तो घोटाला करेगी, कोई भी सरकार इस तरह से गड़बड़ी करेगी, जैसे अभी अभी पुलिस अभ्यर्थियों ने, इस सरकार ने बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पर नकल कराया था, आरओ एआरओ में सरकार ने बहुत जबरदस्त नकल कराया था। वो लड़के आए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लागू किया, लोग इसी इको गार्डन में धरना दिए मात्र दो दिनों के हिसाब से। ऐसे लोग जो पेपर आउट करवाए थे उन्हें पूरा परीक्षा कराने पर बात करना पड़ा, इसलिए जन की आवाज है। बीच में बात रोकने के लिए, क्या कारण रहा कि आपको 600 दिन से भी ऊपर का समय हो गया कि आपको इंसाफ नहीं मिला, आपके ऊपर सरकार का मन ध्यान नहीं गया, केंद्रित नहीं हुआ, और क्या कारण हुआ कि दो दिन मात्र धरना प्रदर्शन से सरकार हिल गई? एक बात आपको मैं बता दूं, कभी कोई चोरी किया होता है तो लाख आप उसको डंडा मार के, लाठी मार के, पीट पीट कर अगर पूछना चाहेंगे कि तुम चोरी किए हो तो बताएगा नहीं, जब तक उसको कठिन से कठिन और अधिक से अधिक दंड नहीं दिया जाए। ये सरकार स्वयं जो चोरी की है, स्वयं चोरी करवाई है, और सरसों जब घोटाला करवाई है, तो इसको हम जिस सरकार को किसी और को डंडा मारना चाहिए, हम कहाँ डंडा मार पाएंगे? इसलिए हमारा इतना लंबा समय लगा, क्योंकि जो चोर, जो चोरी, चोर को मारने वाला था, वो खुद चोरी जब कर दिया हो तो बताओ किसको लाठी कोई मारेगा? सवाल इस बात का है।